हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल हमने डिस्कस किया गया था आपका यहाँ पे 2.2 टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें आईन की क्यों जरूरत होते हैं, उसको हमने कल डिस्कस किया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इंडिया इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आईन बनाया गया था, उसको किस तरह बनाया गया था, क्या क्या प्रॉब्लम आया था जब आइन बना रहा था, और क्या क्या हमारे पास रास्ता था जब यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहा था। तो पहला यहाँ पे आपका हम प्रॉब्लम को देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आया था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा था, हम बना रहा था, ड्रॉन अप कर रहा था, तो उस टाइम हमारे पास क्या था, बहुत से डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस था। ऐसा हालात था जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना बहुत ही मुश्किल था, बहुत इजी नहीं था वहाँ पे इजीली यहाँ पे क्या कर सके, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो ये बहुत मुश्किल था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ पे आपका बना रहा था, फ्रेम कर रहा था। तो उसमें से पहला जो प्रॉब्लम था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, वो था आपका डिवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया जो कंट्री है, वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपका अलग अलग लोग के पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं। मीन्स यहाँ पे आपका रिलीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, यहाँ पे आपका लैंग्वेज के हिसाब से, तो रिलीजियस के हिसाब से, तो यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी हर जो यहाँ पे डिवर्स अलग अलग जो ग्रुप है, वो सब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, उनके ऊपर यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। हमने पहले कहा कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, एक रिटन ये है, मगर उसमें क्या होते हैं, हर सिटीजन का उसमें क्या होते हैं, ट्रस्ट होते हैं। तो उस ट्रस्ट को पैदा करने के लिए यहाँ पे अलग अलग लोगों को एग्री करना बहुत क्या था, जरूरी था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय यहाँ पे क्या आया था, प्रॉब्लम आया था। इसके बाद सेकंड जो यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, वो आया था आपका पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जब हम आजाद हुए थे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फ्रेम कर रहा था, तो यहाँ पे पार्टीशन हुआ था, उसका पार्टीशन जो बेस किसके ऊपर बेस हुआ था, रिलीजन के ऊपर यहाँ पे पार्टीशन हुआ था। मींस मुस्लिम और हिंदू, यानी मुस्लिम और हिंदू जो वहां पे क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। एक आपका पाकिस्तान हो गया, जहाँ पे आपका मेजोरिटी वहां पे आपका क्या था, आपका यहाँ पे मुस्लिम था, और इंडिया जो यहाँ पे पार्टीशन हुआ था, वो इनका मेजोरिटी क्या था, आपका यहाँ पे हिंदू था। तो उसके बेस पे जब हम यहाँ पे आजाद हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहा था, तो ये पार्टीशन टोटली बेस था आपका रिलीजन के बेस था, इसलिए यहाँ पे एग्री करना, जो मुस्लिम यहाँ पे इंडिया में था, उनको एग्री करना, उनको यहाँ पे राइट्स देना, उनको यहाँ पे आपका ट्रस्ट पैदा करना, तो ये भी एक क्या था, बड़ा चैलेंज था जब हमारे इंडियन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स था, उनको ये प्रॉब्लम आया था। थर्ड जो प्रॉब्लम यहाँ पे आया था, वो था आपका प्रिंसली स्टेट। ये भी एक बड़ा इश्यू था, क्योंकि जब हम आजाद हुआ था, तो प्रिंसली स्टेट जो था, प्रिंसली स्टेट कहा जाते, जहाँ पे राजा था और उनका अलग से स्टेट था, वो लोग इंडिया में, आपका इंडिया जो आजाद हुआ था, इंडिया एक नेशन कंट्री बन गया था, तो वो लोग यहाँ पे हमारे साथ नहीं हुआ, मींस वो अलग से वहां पे रहने लगा, तो उनको भी यहाँ पे एक करना बहुत मुश्किल हुआ। बहुत से ऐसे स्टेट था जहाँ पे उनको एग्री करना, और इसमें आपका यहाँ पे इंडिया के अंदर उनको क्या करना, ज्वाइन करना, वो तो उनको एग्री करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टेट था जिन्होंने यहाँ पे टोटल इसको क्या किया गया था, यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। तो ये भी एक इश्यू था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो यहाँ पे अगर प्रिंसली स्टेट को हम एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे रखेगा, तो क्या होगा, वो बीच में आपका एक स्टेट ऐसा होगा जहाँ पे आपका वो एक अलग से कंट्री बन जाएगा, और इंडिया में जो आपका इंडिया होगा, उसके बीच में अलग से एक कंट्री, तो उनको भी यहाँ पे क्या करना, एक करना बहुत क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। सेकंड जो यहाँ पे आपका, ये तो कुछ प्रॉब्लम था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, तो यहाँ पे कुछ पाथ भी था, एक ऐसा रास्ता भी था जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इजिली क्या कर सके, फ्रेम कर सके। तो अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, साउथ अफ्रीका से। जैसे कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उसमें
एक ही ये था आपका यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट्स, और यहाँ पे ब्लैक्स को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, और वो लोग चाहते थे व्हाइट्स और ब्लैक दोनों मिलके क्या क्या बने, वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे फ्रेम करे। तो वो टोटली आपका डिफरेंट है किससे, इंडियन जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, और इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत था उसका वहां पे जो बैकग्राउंड था वो अलग था, जो इंडिया में था उसका अलग था। अगर हम देखा जाए तो एडवांटेज वर साउथ अफ्रीका, अगर हम साउथ अफ्रीका के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के पास ज्यादा एडवांटेज था एज कम्पेयर टू किससे, साउथ अफ्रीका से। क्या एडवांटेज था, मीन्स आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एडवांटेज ये था, यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी क्या था आपका, एक डेवलप हो चुका था, एक कंसेंसस यहाँ पे डेवलप हो चुका था, मींस एक ओपिनियन पहले से डेवलप हो चुका था, जो हमारे लीडर ने इसको डेवलप किया गया था किसके टाइम, यहाँ पे आपका फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, जब हम आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो उस टाइम हम ये डेवलप कर चुका था। मींस यहाँ पे इंडियंस ने क्या किया गया था, पहले से हम यूनाइट थे, ये अगर हम देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में वो पहले से यूनाइट नहीं था। तो यहाँ पे पहले से क्या था, इंडिया के अंदर यहाँ पे एक डेवलप्ड कंसेंसस था, एक ओपिनियन पहले से था, जहाँ पे लोग क्या कर सके, एक होके यहाँ पे क्या क्या बना बना सके, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। इसके बाद क्या होता है, 1928 1928 को आपका मोतीलाल ने क्या किया गया था, ड्रॉप किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसको यहाँ पे 1928 में, मींस पहले ही, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका 1950 में ही क्या हो जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं, मगर उससे पहले ही मोतीलाल को यहाँ पे उसको ये परमिशन यहाँ पे मिला था वो क्या कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम कर सके, कब, 1928। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्या था, हमारे पास एक रास्ता था जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का बहुत ईजी क्या था आपका यहाँ पे, ये पहले बिफोर द प्लान, प्री प्लान आपका यहाँ पे कह सकते हैं, जो यहाँ पे ड्रॉप किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को। हालांकि साउथ अफ्रीका में आपका क्या हुआ था, वहां पे कुछ ये प्री प्लान नहीं था, जैसे कि इंडिया में यहाँ पे कुछ कंसेंसस था, वो आपका साउथ अफ्रीका में बिल्कुल नहीं था। 1931 में क्या क्या हुआ था, जब आपका यहाँ पे कराची सेशन स्टार्ट हुआ था, जो सेशन होते हैं जिस जगह में होते हैं उसका नाम ही यहाँ पे क्या लगाते हैं, वो लोग सेशन का नाम लगाते हैं। तो 1931 में जो ऑल इंडियन जो कांग्रेस का वहाँ पे मीटिंग हुआ था, जिसको कराची सेशन कराची में हुआ था, इसलिए कराची सेशन कहा जाते हैं, जिसमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाना चाहिए, किस तरह बनना चाहिए और किसके ऊपर ही बेस होना चाहिए, उसका यहाँ पे एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था। इसमें एक आपका यहाँ पे एक आइडियोलॉजी हम कह सकते हैं, वहाँ पे एक आइडिया यहाँ पे लिया गया था आपका 1931 के कराची सेशन में लिया था। ये भी एक क्या था, हमारे पास एक कंसेंसस था, जो आपका यहाँ पे इजीली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्रेम करने में क्या हुआ, यहाँ पे सक्सेस हुआ था। थर्ड जो यहाँ पे आपका ये जो हमारे पास रास्ता था वो था आपका फेमिलियर विद पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडिया इंडिया के अंदर ये पहले से हमें क्या था, नॉलेज था, पहले से हमें ये पता था, वेल नून था कि हमारा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होना चाहिए। तो ये हमें पहले से पता क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आपका कंडक्ट हुआ था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन हुआ था, इससे पहले आपका 1937 में हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था। प्रोविंशियल कहा जाता है मीन अलग अलग क्या था आपका यहाँ पे एरिया के हिसाब से, जैसे कि आज के डेट में होता है आपका एमपी का, उसी तरह पहले भी क्या होता था, इलेक्शन होता था, बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले भी यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, जिसमें हमारे इंडियंस भी वहाँ पे बहुत क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो ये भी एक क्या था, हमारे पास एक फेमिलियर था, ये भी एक हमारे पास नॉलेज था, हमें पता था किस तरह यहाँ पे कंडक्ट करना चाहिए इलेक्शन, किस तरह यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या पॉलिटिकल यहाँ पे आपका पावर होना चाहिए, ये भी हमें क्या था, पहले से ही पता था। जो 1937 में ये यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन हुआ था, किसके अंदर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था, जहां पे इलेक्शन को क्या किया गया था, कंडक्ट किया गया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन को कंडक्ट किया गया था। ये भी एक हमारे पास क्या था, एक कंसेंसस था, जिससे हम इजीली क्या कर सके, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। लास्ट जो यहाँ पे हमारे पास बात था वो था आपका इंस्पिरेशन, यहाँ पे इंडियंस जो लीडर्स थे, चाहे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम कर रहे थे, चाहे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे बना रहे थे लीडर्स, तो उनको एक इंस्पिरेशन था, कहाँ से उनको एक यहाँ पे आइडिया यहाँ पे मिला था,
रशियन रिवॉल्यूशन से, जब यहाँ पे रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था उनसे भी एक आइडिया यहाँ पे हमें मिला था। हालांकि हम देखा जाए तो यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका को कोई वहाँ पे कोई भी आइडिया वहाँ पे इंस्प्राइब नहीं था, मगर यहाँ पे आपका इंडिया, इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो यहाँ पे उन्होंने इंस्पायर किया गया किसे, रशियन रिवॉल्यूशन से। और उन्होंने कहा से ये इंस्पायर किया गया, बिल ऑफ राइट इन द यूएस। तो ये भी एक क्या था, एक बड़ा ये एक रेवोल्यूशन था जो यूएसए के अंदर हुआ था, तो राइट्स को लेके। तो ये सब सब यहाँ पे इंस्पायर करने के बाद, देखने के बाद, यहाँ पे डिस्कस करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पे क्या किया गया था, फ्रेम किया गया था। तो कल हम आपका डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको कहा जाते हैं, उन लीडर्स को कहा जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में किस तरह यहाँ पे बनाया गया था, क्या क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका दिया था, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।